व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। एंड अभी हम लोग हैं राजगीर में। हम लोग राजगीर आए हुए थे आज और अभी जा रहे हैं हम लोग ग्लास ब्रिज की ओर, और देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और बिहार का सबसे फेमस जगह टूरिस्ट के मामले में राजगीर को ही माना जाता है। और फिर अभी हम लोग उधर राजगीर की ओर जाते हैं और ग्लास ब्रिज चढ़ते हैं। वहाँ पे सुनने में आया है कि एक दिन पहले ग्लास ब्रिज का ना टिकट बुक करना पड़ता है, लेकिन अभी हम लोग वहाँ पे जाएंगे फिर बताएंगे कि एक दिन पहले बुक होता है या फिर लाइव ही बुक हो जाता है। तो अभी हम लोग वहाँ पे जाएंगे और जाके दिखाने वाले हैं कि कैसे बुक होता है टिकट, और वो हर चीज़ शेयर करेंगे आप लोगों के साथ जो मेरे साथ अभी चल रहा है। फिलहाल अभी हम लोग ट्रेन से आए तो बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं। एंड आप लोग अगर कभी राजगीर आओगे तो राजगीर जंक्शन से आगे आ जाना, मेन रोड पे पकड़ना ऑटो या फिर बस वगैरह जो भी मिल जाए यहाँ से पकड़ना, नहीं तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा भाड़ा लग जाता है भाई। इधर झरना भी है क्या? हाँ, गरम कुंड का झरना। कितना दूर है झरना? सूख गया है क्या? टिकट कितना लेता है इसका? फ्री है ये? हाँ चलिए। ये ग्लास ब्रिज है, ये बंद है, ये नंबर सुबह लगता है, ऑनलाइन बुकिंग होता है। अच्छा, ऑनलाइन बुकिंग होता है इसका। दूसरी सफारी ग्लास ब्रिज इसी में है। क्या मतलब? पूछ लीजिए कि टिकट मिलता है कि नहीं। हाँ पूछ लेते हैं। कितना पैसा हो गया आपका? 100 रुपये ना, 200 रुपये। वो जो जगह था ट्रॉली वाला, उसका नाम क्या बोले थे? शांति स्टॉप। वो भी बंद हो? शांति स्टॉप वो भी बंद हो? वो भी बंद हो गया। तो पैसा भी आ जाए। अच्छा पूछ लेते हैं। पूछ लीजिए ना, कौन सा ग्लास ब्रिज ना? आगे तो खुला हुआ है, बंद है। खुला रहने से क्या घूम सकते हैं आगे? नहीं, अंदर जा ही नहीं देता। मिलता है लेकिन इसका टाइमिंग जो है 6 से 9 तक है। हमें मॉर्निंग टाइम में जो भी आएंगे 10 बजे के आसपास फोटो ठंडी में मिल जाएगा। ठंडी में टिकट रहेगा तब टिकट रहता तो नहीं मिल सकता अभी। इसका कोई वेबसाइट नहीं है? 6 बजे बोल रहे हैं, 5 बजे टिकट मिलेगा। कल की टिकट बोल रहे थे, पहले एडवांस लेके कल आवेंगे। कल ही कटेगा, कल ही जाना। इधर नहीं घूम सकते क्या? पैसा देना पड़ेगा घूमने के लिए भाई। तो घूमने के लिए पैसा बना रहे हो भाई? जी जी ब्लॉग बना। तो हेलो गाइस बोल दो। तो हेलो गाइस क्या बोलिएगा? इनका नाम बता दो। भैया को सपोर्ट करो आप लोग, बहुत मेहनत कर रहे हैं भैया। और मैं भी सपोर्ट कर रहा हूँ भैया को। आप लोग भी राजगीर आओ घूमने के लिए, यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया चीज है। आ जाओ। कभी ये बंद हो गया है, इसका टिकट बोल रहा था कितना से कितना? नहीं बोले कि 8 बजे से मिलता, 6 बजे 8 बजे से मिलता। हाँ हाँ, 8 बजे से कितना बजे तक? 11 बजे तक इसका टिकट, 8 बजे से 11 बजे तक मिलता है, उसके बाद ये बंद हो जाता है। और अभी अंदर गेट के अंदर भी जाना अलाउ नहीं है, और इसी के अंदर हर चीज़ है जो आप लोग का बोर्ड भी दिखाया। आप लोग बोर्ड चौक करके देख लेना कि बोर्ड देख क्या सब चीज़ है, वो हर चीज़ इसी के अंदर है। और ग्लास ब्रिज जो है वो भी इसी के अंदर है, लेकिन ये बंद पड़ा हुआ है अभी। आगे चलते हैं, अंकल दिखाएंगे जो टूरिस्ट पैलेस होते हैं वो राजगीर का दिखाएंगे। कल हम लोग रॉन्ग टाइम पे आए हैं यहाँ पे, पर कोई नहीं, एक दिन आएंगे आप एक्सप्लोर कराएंगे आप लोग को। और यहाँ पे अभी हम लोग आए थे जू सफारी के पास, यहाँ पे जू सफारी देख सकते हो, लेकिन ये भी अभी बंद हो गया क्योंकि टाइम आउट हो गया इसका। और यहाँ से भी हम लोग निकल रहे हैं फिर से रेलवे स्टेशन की ओर, और देखते हैं कि रास्ते में क्या सब चीज़ मिलता है हम लोगों को, वो हर चीज़ एक्सप्लोर करेंगे हम लोग। इधर कौन कौन सा लोकेशन है देखिएगा तो अपने मिजाज खुश हो जाएगा। क्या दूध से इस जमीन को पटाया जाता था जाके देखिए? क्या जिससे? दूध से। दूध से इस जमीन को पटाया जाता था, है ना? तो अभी हम लोग अंदर जैसे ही आते हैं उस तरह के मुझे यहाँ पे इनका हिस्ट्री मिलता है कि ये क्या चीज़ है। यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है? और ये देख लो भाई, ये पढ़ लो यहाँ पे। फिर अभी हम लोग आगे चलते हैं, ये पॉइंट रहा फोटो शूट का। कुछ खास है नहीं।
लेकिन अभी हम लोग ऊपर जाएंगे वहाँ पे, और वहाँ से फिर हम लोग जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। और फिलहाल यहाँ पे हम लोग टी शर्ट वगैरह चेंज कर ली, क्योंकि उसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी फील हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा गर्मी। और यहाँ से देख सकते हो मेरे पीछे कितना ऊपर पहाड़ है। कौन बोलता है कि भाई बिहार में घूमने वाला जगह नहीं, बस घूमने वाले होना चाहिए, बहुत प्यारे प्यारे जगह है, आप लोग आओ कभी एक्सप्लोर करो। ठीक है, पॉइंट पर चलते हैं। और यहाँ पर हो गया सेल्फी पॉइंट, यहाँ पर हर बंदा आके ना सेल्फी लेता है, यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पे हर बंदा सेल्फी लेता है, तो एक अपना सेल्फी भी बनता है। और मेरा भाई जा रहा है ऊपर, और देखते हैं यहाँ पे कैसा सेल्फी रहता है। भाई ये देख लो मेरे पीछे ना पूरा का पूरा पहाड़ी है ये चारों साइड। तो अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं, ऊपर ये देख लो, ये भाई ये तो कुछ है ही नहीं, ये यहाँ पे सिर्फ बना हुआ है, इनका हिस्ट्री मुझे मालूम नहीं है। ये देख लो मेरे पीछे का पूरा पहाड़ी है, ये देख बहुत ही मस्त व्यू। तो यहाँ पे हमें कुछ खास व्यूज देखने को नहीं मिला, लेकिन अभी हम लोग आगे वाले पॉइंट की तरफ चलते हैं। भाई यहाँ से तो व्यूज कुछ अलग ही दिख रहा है भाई, ये देख लो भाई, आप लोग व्यूज चेक करो। किसी का ये झोला लेके भाग गया है, बहुत शरारती है ये। ओ तेरी की साला, मैं तो डर गया भाई। लेकिन यहाँ पर तो देवान का लिपि है, ये लिपि भारत सरकार द्वारा पढ़ा जा चुका है, ये लिपि आपका गुप्त ब्राह्मी है, स्क्रिप्ट है ब्राह्मी, लैंग्वेज है संस्कृत, तो ये उल्टा पढ़ा जाता जैसा की उर्दू में पढ़ा जाता है, तो इसका संस्कृत में अनुवाद इस प्रकार हुआ है, सर निबाना लाभा है तपस्वी योग्य शुभ गुहे अरहंत प्रतिमा प्रतिष्ठते आचार्य रत्नम मुनि बैरदेव थर्ड पर्सन चोरी एडी, अरहंत का अर्थ होता है तीर्थंकर, और थर्ड पर्सन चोरी एडी का मतलब पूर्व जैन मुनि बैरव देव साधना मुक्ति परिनिर्वाण एवं जैन धर्म प्रचार के उद्देश्य से यहाँ के पत्थरों पर तीर्थंकरों का मूर्ति खोदा है। अब देखिए उन अरहंतों में यहाँ पर 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का प्रतिमा माथे को बसात था, मुस्लिम फ्रेड में बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। गुफा की बारी भाग पर बार न थी, क्योंकि राइट एंड लेफ्ट जो गड्ढे दिख रहे हैं, इन गड्ढों में पत्थर के खंभे थे, ऊपर में देखा जाए कड़ी का निशान है। ये मंडप 1934 में विराट भूकंप हुआ था, बिहार भूकंप में। तो ये अंदर हम लोग गुफा में जा रहे हैं, गुफा में देखते हैं कि क्या सीन रहता है अंदर का, चल ये चेक करो। ऊपर जाने को मना है, ऊपर नहीं जा सकते आप लोग, फिलहाल हम लोग सेकेंड लोकेशन की ओर चल रहे हैं। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। चांद ने कुछ कहा, रात में कुछ सुना, तू भी सुन बेखबर प्यार कर, ओ हो प्यार कर। यहाँ पे क्या होता था, मनसा देवी का मंदिर। तो हम लोग जा रहे हैं थर्ड लोकेशन की ओर। फिलहाल ये जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये सब इस पे चढ़ना मना है, इस पे आप लोग चढ़ नहीं सकते। और अभी हम लोग जा रहे हैं अगले वाले नेक्स्ट लोकेशन की ओर। ये कौन सा मंदिर था, बंसावली इस तरह का नाम है, और वो मंदिर था यहाँ पे, वो बहुत ही मस्त है। और आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं कि कौन सी जगह है। चलिए तो अभी हम लोग जा रहे हैं गुरुद्वारा की ओर, और यहाँ पे देख लो भाई ये क्या शानदार है भाई। कैमरा नहीं है, वीडियो नहीं चलाइए। डाल ये जो मेरे देख रहे हो सर पे, मैं अंदर गया था, अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं था,
और हम लोग थोड़ा क्लिप लिए लेकिन वो आप लोग को दिखा नहीं सकते थे क्योंकि अंदर से अलाउ नहीं है, तो फिर हर धर्म का रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग दिखा नहीं सकते हैं फिलहाल, अभी हम लोग इसके बाहर हैं, देख सकते हैं बाहर से बहुत मस्त है और अंदर से आप जितना सोचोगे भी नहीं उतना भी इतना खूबसूरत है। अंदर से आप सोच भी नहीं सकते, बाहर से अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितना खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ये। अभी हम लोग कोका कोला पी रहे हैं, फिर अभी हम लोग आगे निकलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ नॉर्मल है कि ये जो देख पा रहे होगे घोड़ा का जो गाड़ी बना हुआ है। अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रह्मकुंड के लिए और ये रहा ब्रह्मकुंड का इतना बड़ा दरबार। तो सो गाइस अभी देखते हैं कि कितना हम लोग को चलना पड़ता है क्योंकि हम लोग पहले ही काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं। यहाँ पे सामने में देख सकते पेड़ा वगैरह मिलता है, ये क्या है। अभी हम लोग इतना नीचे से आए, अभी और ऊपर पता नहीं कितना जाना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग माउंटेन पर नहीं चढ़ पाए, वहाँ पर 4 बजे तक ही टाइम था और उसके बाद बंद हो गया। तो फिर अभी हम लोग जा रहे हैं उधर उस साइड, देखते हैं अगर चढ़ने की हो तो। यहाँ पर फिर खाने की कुछ सामग्री बिक रही है, थोड़ा इधर लग रहा है मेला वाला लगता है शाम के टाइम में। अभी हम लोग पहाड़ों पे हैं और ये देख पा रहे हो कि आप मस्त व्यूज है राजगीर का भाई, लेकिन यहाँ का जो पहाड़ है ना भाई ये पूरा अब बंजर है भाई। और यहाँ से ज़्यादा मज़ा नेपाल जोड़ने में आया था हम लोगों को, इससे ज़्यादा मज़ा। लेकिन यहाँ पे टूरिस्ट करने के लिए बहुत सारा जगह जो 4 बजे के बाद ऑफिशियली बंद हो जाता है, और वहाँ पे ग्लास वाला ब्रिज जो वो हर चीज़ बंद हो गया क्योंकि उधर ही जो घूमने का जगह था उधर ही था। जंगल सफारी बंद हो गया, ग्लास वाला ब्रिज भी बंद हो गया और ये जो झरना था ये भी बंद हो गया, सिर्फ मंदिर तक जाने देता है उसके अंदर नहीं जाने देता है। और एक जगह तो वहाँ पर वीडियो बनाना भी अलाउ नहीं था, वो ये जगह भाई, ये जो देख रहे हो ये जगह पे गए तो अभी वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, लेकिन हम लोगों ने वीडियो लिया। फिर वो दिखाएंगे नहीं क्योंकि अलाउ ही नहीं था वहाँ पे। और यहाँ से भी हम लोग फिर जाएंगे राजगीर जो रेलवे स्टेशन है वहाँ, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग थोड़ा ट्रैकिंग करने वाले हैं पहाड़ पे क्योंकि नया रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये रास्ता बिल्कुल भी नहीं है, जो सीधी से रास्ता था तो उधर से हम लोग को मना कर दिया गया है। और ये अभी हम लोग रास्ता खोज रहे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं और आगे भी देखते हैं। और मेरे साथ एक और ग्रुप था जो वहाँ से कट ले लिया, मंदिर की ओर जा रहे हैं। फिलहाल हम लोग को तो मंदिर जाना है नहीं, तो हम लोग टॉप पे चढ़ेंगे क्योंकि मेरा शुरू से ही आप लोग को पता होगा अगर नेपाल ब्लॉग देखे होंगे तो मैं जहाँ भी जाता हूँ अगर पहाड़ चढ़ता हूँ तो टॉप पे जाता हूँ, उसके बाद ही लौटता हूँ। और भी देख लो यहाँ पर कितना साफ है, काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ और मैं पानी भी नहीं लाया जो मैं पी सकूँ। तो यहाँ से रास्ता हो गया बंद क्योंकि हम लोग झाड़ी में आ गए थे चलते चलते। हाँ इधर से गया, उधर से गया भाई, ये पहाड़ पे धीरे धीरे चलना ठीक है क्योंकि ढलान की ओर गरकते रह जाएगा फिर स्पीड चलेगा तो, और थोड़ा संभल के। ये देखो भाई हम लोग इधर से आते तो किस में जाते हैं, आराम से आएगा, बस टॉप बाकी ही रह गया, इसको कंप्लीट करके ही जाएंगे। और हमको नहीं लग रहा है कि यहाँ तक कोई आया होगा फिलहाल। तो उधर ही जाएगा, ये रहा भाई टॉप। ओहो ज़्यादा तेज की हवा चल रही है जिसके कारण हम लोग को आगे बढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना होगा। फिलहाल मैं जहाँ तक ब्लॉग बनाया हूँ यहाँ तक नहीं लग रहा हूँ, आप लोग राजगीर के किसी भी ब्लॉग को सर्च करो, ट्रेवलिंग ब्लॉग हर चीज़ को लेकर के यहाँ तक कोई भी व्यूज आप लोग को नहीं दिखाएगा। फिलहाल मैम अभी राजगीर के सबसे ज़्यादा टॉप पर इससे भी बड़ा है वो वाली पहाड़, लेकिन वो वाली पहाड़ पर हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि शाम होने को और शाम में हम लोग को नीचे उतरने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल ये देखते हैं आप व्यूज़ है भाई वो देखें, उफ क्या व्यूज है भाई। वो अभी राजगीर के सबसे टॉप पे हूँ अभी और यहाँ पे सीन देखो भाई, उफ क्या मजा है भाई। ये देखो इधर जानवर का भी घर है, ये कौन सा जानवर का है वो मुझे मालूम नहीं लेकिन शाम हो रहा है तो आता ही होगा। ये देखो भाई अंदर जानवर का घर है, ये देखो भाई लोग निकल रहे नीचे की ओर और चलते हैं घर। और यहीं पे करते हैं हम लोग ब्लॉग समाप्त, आई होप कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा, एंड सब्सक्राइब करना, लाइक कर लेना और जल्दी जल्दी राजगीर ट्रेवलिंग करने वालों को शेयर करो ताकि देखो कि भाई राजगीर में कितना ज़्यादा ओसम सा पहाड़ है।
जान तुझे लग जाए मेरी। छोड़ा नहीं आंखें तो खोली मगर